अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल टीचरव्यू 90। जैसा कि आप जानते हैं, लास्ट वीडियो में मैंने आपसे डिस्कस किया था इंडक्टिव मेथड को, डिडक्टिव मेथड को, इनके मेरिट्स, डीमेरिट्स सब कुछ मैंने आपसे लास्ट वीडियो में डिस्कस किए थे। होप सो कि आपने वीडियो को देख लिया होगा। वीडियो को कम्प्लीट लास्ट में देख लिया करें और चैनल को सब्सक्राइब भी लास्ट में कर लिया करें। लेकिन आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं जोनाथन स्विफ्ट के एक बहुत ही फेमस वर्क को, गलिवर्स ट्रैवल को आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं। तो बेसिकली इसकी मैं दो वीडियोज बनाऊंगी, किसी कैरेक्टर्स पे और इसकी सारी सेटिंग जो है वो किस तरह से रखी गई थी उन सब पे बनाऊंगी। और इसका एक जो ये जो गलिवर्स ट्रैवल गया था फोर वॉयज पे, इसके जो फोर वॉयज थे वो भी सब कुछ हम डिस्कस करेंगे। लेकिन इसकी समरी जो है उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगी, और जितनी भी स्लाइड्स पढ़ाऊंगी उन सबका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो जाके चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक शेयर कमेंट लास्ट में कर दिया करें, और मेरे चैनल का लिंक भी नेक्स्ट प्रोवाइड कर दिया करें लोगों तक, ठीक है। तो आज सबसे पहले हम डिस्कस करने जा रहे हैं जोनाथन स्विफ्ट के लाइफ एंड वर्क्स को। 1667 टू 1745 इनका डेट ऑफ बर्थ और डेट ऑफ डेथ पीरियड है इनका। वाज द ग्रेटेस्ट ऑफ इंग्लिश स्टारिस्टिक, ये स्टार बहुत करते थे, तंज बहुत करते थे, और इन सब जितने भी लोग थे जो स्टार करते थे उन सब में से ग्रेटेस्ट पर्सन इन्हें माना जाता था। हिज बिटर स्टार वाज एम्ड एट द कंटेम्पररी सोशल ऑर्डर इन जनरल एंड द पॉलिसी ऑफ द इंग्लिश बर्गियोसिस टुवर्ड्स द आयरिश इन पार्टिकुलर, ठीक है। इनका बहुत ज़्यादा इन माना जाता था स्टार, क्योंकि बहुत फेमस थे अपने स्टारिक राइटिंग की वजह से ही बहुत ज़्यादा फेमस थे। जोनाथन स्विफ्ट वॉज बॉर्न इन डबलिन बट द केम फ्रॉम एन इंग्लिश फैमिली। द राइटर्स फादर सुपरवाइजर एट द कोर्ट बिल्डिंग ऑफ डबलिन डाइड एट द एज ऑफ 25, लिविंग हिज वाइफ एंड डॉटर पेनलेस। हिज सन वॉज बॉर्न 11 months आफ्टर हिज डेथ। He was named Jonathan Swift after his father. इनके जो फादर थे वो भी राइटर थे और सुपरवाइजर थे। इन राइटर जोनाथन स्विफ्ट के जो फादर थे वो सुपरवाइजर थे, कोर्ट में थे, ठीक है, डबलिन की ये कोर्ट थी, वहाँ में ये सुपरवाइजर थे। और 25 में इनकी डेथ हो गई थी, अपने बीवी बच्चों को फिर ये छोड़कर चले गए थे, जिसके बाद बर्थ हुई थी स्विफ्ट की। द बॉय न्यू लिटिल ऑफ हिज मदर केयर, शी हैड टू गो बैक टू हर नेटिव टाउन ऑफ सिस्टर। जोनाथन हार्डली सॉ हर ड्यूरिंग हिज चाइल्डहुड। ही वॉज सपोर्टेड बाई हिज अंकल गॉडविन। At the age of 6, he was sent to Kilkenny School, which he left at the age of 14. ये एक स्कूल है जहाँ उन्हें भेजा गया था। और इनके फादर की डेथ के बाद इनका जितना भी खर्चा था, सारे एक्सपेंसिव जो थे इनके अंकल ने उठाए थे, और इन्हें एक स्कूल में भेजा गया था। 6 years के थे जब ये, और 14 की एज में इन्होंने वो स्कूल छोड़ दिया था। Then he entered Trinity College. इन्होंने ट्रिनिटी कॉलेज ज्वाइन किया था डबलिन में, और फिर वहाँ से इन्होंने बैचलर किया था, बैचलर की डिग्री ली थी 1686 में। द रिवॉल्यूशन ऑफ द 1688 वाज फॉलोड बाय एन अपराइजिंग इन आयरलैंड, एंड स्विफ्ट बीइंग इंग्लिश नैरोली एस्केप द वेंजेंस ऑफ एन आयरिश पोर्टर्स ऑफ चेम टू, ठीक है। He sailed over to England and after many years once again saw his mother at Leicester. With her help he became private secretary and account keeper to Sir William Temple. अपनी माँ की मदद की वजह से ये private secretary बन गए थे William के, ठीक है। At his estate not far from London, estate में Temple में जो कि London से ज़्यादा दूर नहीं थी। Sir William was a retired diplomat and also a writer. ये एक retired diplomat थे और एक writer भी थे। तो एट दैट टाइम ही मेड फ्रेंड्स विद हेस्टर जॉनसन, यहाँ इनकी एक दोस्त बन गई थी और जो डॉटर थी इनकी हाउस कीपर की। ही टॉट द लिटिल गर्ल इंग्लिश स्पेलिंग एंड गेव हर एडवाइस ऑन रीडिंग। दिस फ्रेंडशिप लास्टेड ऑल हिज लाइफ। हेस्टर बिकेम द प्रोटोटाइप ऑफ स्टेला इन स्विफ्ट फेमस वर्क जर्नलर टू स्टेला। ये इनकी फ्रेंड थी, फिर उन्होंने इसे बहुत ज़्यादा राइटिंग भी की थी और ये बहुत फेमस वर्क इनका गया था। हैविंग इम्प्रूव्ड हिज एजुकेशन बाई टेकिंग एडवांटेज ऑफ सर विलियम टेम्पल्स लाइब्रेरी, स्विफ्ट वेंट टू ऑक्सफोर्ड एंड टुक हिज मास्टर ऑफ आर्ट्स डिग्री इन 1692। चले गए ये विलियम जो थे, विलियम की लाइब्रेरी से उन्होंने बहुत ज़्यादा हेल्प ली थी, उनके बुक्स रीड आउट करते थे, और फिर ये ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में चले गए थे 1692 में, जहाँ उन्होंने अपनी मास्टर्स की डिग्री कम्प्लीट की थी। आफ्टर दैट ही गोट द प्लेस ऑफ वर्कर एट अ लिटल पैरिश
चर्च इन आयरलैंड वेयर ही रिमेंड फॉर अ ईयर एंड हाफ। फिर यहाँ एक चर्च में चले गए थे, यहाँ ये एक या एक साल से ज्यादा अरसे के लिए रहे थे। सून ही गॉट टायर्ड ऑफ हिज लोनली लाइफ एंड रिटर्न टू सर विलियम टेम्पल एस्टेट। फिर ये अपनी लाइफ से, तनहा लाइफ से बहुत ज्यादा डिप्रेस्ड हो गए थे और विलियम के टेम्पल में दोबारा चले गए थे उधर रहने के लिए। वेयर ही कंटिन्यू टू लिव एंड वर्क अंटिल हिज पार्टन डेथ इन 1699। अपने डेथ तक उन्होंने फिर ये वहीं रहे थे और वहीं जितना भी काम किया था सर विलियम के घर में ही किया था। डियर स्विफ्ट बिकेम वाइसर अगेन एंड वेंट टू लिव इन अ लिटिल प्लेस कॉल्ड लेकर इन आयरलैंड। ही इनवाइटेड हेस्टर जॉनसन टू कम दिस प्लेस। शी हैड बाय देन ग्रोन अप इनटू अ ब्यूटीफुल यंग वूमेन। इट इज बिलीव्ड देन स्विफ्ट सीक्रेटली मैरिड हेस्टर बट मच ऑफ हिज प्राइवेट लाइफ इज अननोन टू अस। इन 1702 स्विफ्ट केम टू लंदन where he was involved into contemporary events. He often went to coffee houses where he talked with journalists and with common people. His contributions to the Tatler, the Spectator and the other magazines show how well he understands the spirit of the time. In 1713, Swift was made Dean of St. Patrick's Cathedral in Dublin. At that time, he came into contact with the common people and saw the miserable condition which the people live and the population live. Swift wrote a number of the pamphlets criticizing the colonial policy of England, intending thus as to help the common people. ये जाते थे और लोगों का सारा ये तजिया करते थे, मुआयना लेते थे चीज़ों का और देखते थे लोग किस तरह से miserable conditions में रह रहे हैं, तो फिर उन्होंने बहुत ज़्यादा अपने pamphlets भी लिखे थे। In 1726, Swift's masterpiece Gulliver Travels appeared. यहाँ पे इनका जो वर्क जो हम आज डिस्कस करेंगे वो Gulliver's Travel है और इसे इन्होंने पब्लिश किया था 1726 में। His inventive genius and biting style were at their best in this work, which made a great sensation. In 1728, Stella Hester died after a long illness. This loss affected Swift so deeply that he was never to come man again. Condition in Ireland between 1700 to 1750 was so awful. This is the work like poison in Swift's blood. Hard work and conscious disappointment undermined Swift's health. By the end of 1731, his mind was failing rapidly. In 1740, his memory and reason were gone and he became completely deaf. He died on October 19, 1795 in Dublin. फिर इनकी डेथ हो गई थी इन सारी चीज़ों की वजह से। जब इनके फ्रेंड की डेथ हुई तो ये टॉलरेट नहीं कर सके, जिसकी वजह से इनकी तबीयत खुद बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी और 1745 में डब्लिन में ही इनकी डेथ हुई थी। गलीवर्स ट्रैवल्स को डिस्कस कर लेते हैं, बहुत शोर सा हम इसका एक एनालिसिस करेंगे ताकि आपको बस बेसिक बेसिक सी चीज़ें समझ आ जाएँ। इसकी जो कंप्लीट समरी है चैप्टर वाइज उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगी और ये जो स्लाइड्स जहाँ से आज मैं पढ़ा रही हूँ इसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाए। In Gulliver's Travels, Jonathan Swift tries existing society in the form of the imaginary travels. इन्होंने यार travels किए थे, Gulliver's Travels नाम के एक आदमी थे, उन्होंने बहुत ज़्यादा travels किए थे और उसको as a stylistic use किया है Jonathan Swift ने अपने plays में। The scene and nations described in the book are so extraordinary and amusing that the novel is a great favorite both children and the grown-ups. Is tell of the adventures of the ship surgeons as related by himself and is divided into four parts or four voyages. इसके four voyages हैं जिन पे वो गए थे और travel किया था। Part one आता है इनका जो पहला सफर था, बहरी सफर, a voyage to Lilliput. Lilliput में इनका पहला सफर था। After being shipwrecked, जब shipwrecked हो गया था, Gulliver gets safely ashore and find himself in a strange country inhabited by a race of the people about 6 inches. जहाँ पे ट्रैवल के लिए गए थे इनका ये वॉयस जो था लिलीपुट की तरफ, तो वहाँ के जो लोग थे बहुत ज़्यादा छोटे होते थे, ठीक है, वो 6 इंच के थे जस्ट। लेकिन गलीवर्स जो थे इनकी हाइट काफ़ी थी, ये लोग डर गए थे, उन्होंने इसे पकड़ लिया था, फिर बांध दिया था रस्सियों से। बाय मेकिंग दैम सो स्मॉल स्विफ्ट ट्रस्ट इन सिग्निफिकेंस एंड मेक्स द रीडर डिस्पायर दैम। इट इज़ ईजी टू अंडरस्टैंड दैट स्विफ्ट मेन थिंग द स्मॉल कंट्री टू सिंबलाइज इंग्लैंड ऑफ द 18th सेंचुरी द गवर्नमेंट The court and the religious controversy. यहाँ पे मैं बता रहे हैं कि जो स्विफ्ट ने सारी चीज़ें डिस्कस की हैं, जो स्ट्राइक किया है इंग्लैंड की गवर्नमेंट पे 18th सेंचुरी की, उन सब चीज़ों पर स्ट्राइक किया जा रहा है गलिवर्स ट्रैवल के थ्रू। सेकेंड, इसका वॉयज जो था अ वॉयज टू ब्रॉडिंग नैंग में था, ठीक है, अ वॉयज टू ब्रॉडिंग नैंग। द शिप मेट्स विद द टेरेबल स्टॉर्म एंड एंकर्स नियर ब्रॉडिंग नैंग द लैंड ऑफ द जायंट्स
While on shore, Gulliver is captured by the giants. On the whole, they are good-natured creatures by and treat Gulliver kindly. Brobdingnag is an expression of the swift desire to find the ideal and execute a country ruled by an ideal monarch. यहाँ पे जब ये एक सेकंड वॉयज जो था इनका शिप जो था वो एक काफी बड़े तूफान की वजह से तबाह हो गया था. फिर ये एक सेकंड वॉयज जो जहाँ गए थे वो ब्रॉबडिंगनैग था और यहाँ के लोग काफी अच्छे होते थे लेकिन है वो जिन थे वो जायंट थे सारे लेकिन उनका बिहेवियर के साथ जो था वो बहुत अच्छा रहा. तो गलीवर्स का भी इनका बिहेवियर बहुत अच्छा था इनके साथ. थर्ड वॉयज आ जाता है अ वॉयज टू लैपुटा बनली बार्बी लगनक ग्लेबड्रिप एंड जापान. इनका ये थर्ड वॉयज था डिस्क्राइबिंग गलीवर्स वॉयज टू लैपुटा अ फ्लाइंग इजलैंड. ये एक फ्लाइंग इजलैंड था जो समंदर में रहता था मतलब कि हवाई एक जजीरा था. स्विफ्ट अटैक्स मोनार्क्स हु Policy brings nothing but suffering to their subjects. Swift indignation and the bitterness of a child reach their climax when he shows the Academy of Science in Lagado, the city of the continent of Balnibarbi. Swift ridicules the scientists of his time who shut themselves in their chambers, isolated from the world. ये इनका third voyage था. इसके four voyage को थोड़ा सा discuss कर लेते हैं. A voyage to the country of the honeymoons, ठीक है? The fourth voyage brings Gulliver to the ideal country of the Hymens, where there is neither sickness, dishonesty, nor any of the frivolities of the human society. The human race occupies a position of the servility there, and a noble race of horses rules their country with reason and justice. The horses possess virtues which are superior of the those of man. Yahoos have much in common with human beings in appearance, but they are ugly, deceitful, and the vicious creatures. ये जो नेचर जो थी वो इस तरह की थी. इनके सारी सामर जो थी वो सारे जानवर जैसी थी बस फेसेस इनके थोड़े डिफरेंट थे. तो मीन्स के डबल फेस ये लोग थे. इनके जिसम कुछ और था और फेसेस कुछ और थे. ये एनिमल से मुशाबत रखते थे. तो ये सारा इनका वॉइस थे जितने मैं भी मैंने आपसे डिस्कस किए हैं. होप सो कि आपको समझ आ गई होगी. इसकी समरी डिटेल में आपसे इसे डिस्कस नहीं कर रही क्योंकि वो चैप्टर वाइज समरी है. अगर डिस्कस करूंगी तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी लेकिन उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दिया है मैंने आपको. आप जाके देख सकते हैं और वीडियो को लाइक शेयर कमेंट लास्ट भी किया करें. वीडियो को कम्प्लीट वॉच किया करें. चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें. नेक्स्ट वीडियो तक के लिए मुझे दें इजाज़त. अल्लाह हाफ़िज़.